लालच बुरी बला। यह कहानी एक लोभी राजा के बारे में है जो अधिक से अधिक सोना पाने के चक्कर में स्वयं को मुसीबत में डाल लेता है। आइए पढ़ते हैं राजा के अत्यधिक लोभ का क्या परिणाम निकलता है। बहुत समय पहले मगध देश में विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। विक्रमादित्य बहुत लालची था। उसे केवल दो ही चीजों से प्यार था, एक थी उसकी बेटी फूल कुमारी और दूसरा था सोना। राजा विक्रमादित्य दिन रात सोना इकट्ठा करने के सपने देखा करता था। बेइंतहा खजाना होने पर भी राजा को संतोष नहीं था। एक दिन राजा अपने खजाने में रखे हीरे जवाहरात और सोने के सिक्कों की गिनती कर रहा था, तभी वहां एक देवी प्रकट हुई और बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम तो बहुत अमीर राजा हो, तुम्हारे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना मौजूद है। राजा ने मुंह लटकाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इतना धन कहाँ। आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को भी स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। देवी ने हंसते हुए उसे वरदान दिया कि अगली सुबह से वह जिस वस्तु को भी स्पर्श करेगा वह सोने की हो जाएगी। वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गई। पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। अगली सुबह वह जिस किसी वस्तु को हाथ लगाता वह सोने की हो जाती। अब तो राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी के मारे नाचने और उछलने कूदने लगा। वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ एक उद्यान में गया। राजा वहां जिस पेड़ पौधे को स्पर्श करता वह सोने की हो जाती। इस प्रकार पूरा उद्यान ही सोने के उद्यान में परिवर्तित हो गया। राजा विक्रमादित्य की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। अब उसके पास सोने का पार भंडार था। यह सब करते करते दोपहर हो गई। अब राजा थक गया था। वह थकान और भूख प्यास से बेहाल हो गया था। राजा विक्रमादित्य अपने महल में लौट आया और बैठ गया। दासी ने उसे पकवान परोसे, परंतु राजा के स्पर्श करते ही सब कुछ सोने में परिवर्तित हो गया। अब वह बहुत घबरा रहा था। तभी उसके पास उसकी बेटी फूल कुमारी खेलती खेलती आई और बोली, पिताजी क्या हुआ। यह सुनते ही राजा ने उसे गले से लगा लिया। राजा के स्पर्श से फूल कुमारी भी सोने में बदल गई। अब राजा के सब्र का बांध टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। तभी देवी प्रकट हुई और राजा से उसके दुख का कारण पूछने लगी। राजा ने उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी और देवी से कहा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु मेरी बेटी भी सोने की हो गई है। कृपया अपना वरदान वापस लेकर मेरी बेटी को पहले की तरह सामान्य कर दीजिए। देवी ने एक पात्र में जल लेकर सब चीजों पर छिड़क दिया। सभी वस्तुएं अपने पुराने रूप में आ गईं। राजा विक्रमादित्य अप्रसन्न था। अब उसका सोने के प्रति लालच खत्म हो गया।